हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम स्टार्ट करते हैं आईब्रो के साथ। आईब्रो को मैंने अच्छी तरह ब्लैक कलर लेके अप्लाई किया है और इसको मैंने जिधर गैप दिखता है ना वाइट वाइट, उसको मैंने फिल किया और आईब्रो को अच्छी तरीके से बनाया दोनों, और फिर उनको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। और मेरी आईब्रो स्टार्ट, देखें मैं किस तरीके से कवर कर रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने ये आईब्रो कॉम से इसको सही किया और फिर मैंने कंसीलर लिया नर्स का और उसको मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई किया और फिर डैप डैप करके ब्यूटी ब्लेंडर से उसको मैंने ठीक किया। फर्स्ट पाउडर अप्लाई किया और फिर इसके बाद मैंने ये टेप ना आउटर कॉर्नर के साइड दोनों आई पे लगा लिया। स्टार्ट करेंगे अभी मैं अपना शर्ट। सबसे पहले जो ये है वाइट कलर, इसको आई के ना यहाँ पर अप्लाई करें। ये ज़रूर अप्लाई करा करें, इससे बहुत अच्छा आपका लुक आता है आई का, और ज़रा देखें शाइनिंग भी आ जाती है। ठीक है, फिर सेकंड जो मेरा कलर अप्लाई, फर्स्ट जो मैं लूँगी ये ब्लैक है। ब्लैक तो लाजिम होता है, ब्लैक कलर। एंड सेकंड पे मैं अभी डाउट हूँ कि कौन सा अप्लाई करूँ। थर्ड तो मुझे पता मिल गया क्या करना है, एक थोड़ा सा ऑरेंज टाइप को ले लेती, देखती हूँ कैसा बनता है। ब्लैक, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये शिमर कलर है ग्रीन शाइनिंग वाला। अब हमने यहाँ पर ये वाले एरिया पे तो हमने वाइट लगा लिया, अब हम ये आउटर कॉर्नर के साइड ब्लैक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक को जरा सही से अप्लाई करें फिंगर की। अब अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारे पास ब्रश नहीं है, इस वजह से हम मेकअप अच्छा नहीं कर सके या कुछ। आपको मैं फिंगर से ही बता रही हूँ, अगर आप सेम इसी तरीके से प्रोसीजर है। देखिए मैंने इसको ब्लैक कलर को ये पूरा कवर किया, अब मैं इस पर ऑरेंज कलर लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ ये। इसको मैं ब्लैक के साथ अच्छी तरीके से स्मच कर रही हूँ ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। और थर्ड कलर जो है मेरा ये ही इनर कॉर्नर के साइड अप्लाई करा है मैंने। ओके, शिमर कलर, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। ठीक है, अच्छा आपको ये लग रहा है कि आपको यहाँ से लाइट लग रहा है और यहाँ डार्क लग रहा है, तो आप ऑरेंज कलर थोड़ा और लेके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत लुक आया है, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रीन, बहुत प्यारा लग रहा है। और आप ये दो कलर लेके इसके बाद अगर आपने ब्लू सूट पहना है ब्लू लगा लें, अगर आपने पिंक पहना है पिंक लगा लें, जैसे आप शिमर कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने सेकंड आई सेम टू सेम उसी की तरह बनाए अप्लाई किया और फिंगर की मदद से ही मैंने बनाए हैं। देखें कितना खूबसूरत लुक आया। और फिर मैंने ये मोटरा आई लाइनर आजकल जो चल रहा है वैसे अप्लाई किया है, और इसको मैंने देखें दूसरी आई पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तब मोटा आई लाइनर अप्लाई किया, इसलिए कि इसमें मैं बीच में मिडल एरिया पर ग्लिटर अप्लाई करूँगी। फिर मैंने कॉटन बट की मदद से वाइट ना कलर लेके आई की वाटर लाइन पे अप्लाई किया। फिर ये देखें आई की मिडल एरिया पे मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर, और कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सिंपल सा लुक है। और फिर मैंने ये मस्कारा अप्लाई किया, और आज मैंने आई लैश नहीं लगाई, मैंने ऐसी आई रखी, और कितना खूबसूरत लुक आया। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और ऐसी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और मेरे चैनल पर वैसे ही अपलोड हैं ब्राइडल मेकअप, सारे मेकअप। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मेकअप पे। ओके, टेक केयर, बाय।